मेरी और मेरी मदर के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी और वो भी एडवोकेट्स के द्वारा, और प्रकरण मेरे ऊपर ही दर्ज हुआ था सर बाद में, वो बताया था। हाँ, और सर उसके बाद उसमें फैक्ट्स ऐसे हैं कि मैंने ऑलरेडी 25 दिन पहले टीआई साहब को एक लेटर दिया था कि फलाना फलाना एडवोकेट ने मुझे ये स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने अपने एप्लीकेशन में लिखे हैं कि इसने मुझे बोला था मैं तुझे वकीलों से बिठवाऊंगा अगर तूने समझौता नहीं किया, और सर बात वही हुई है। एंड सर सारे एविडेंसेस मेरे पास हैं, जस्ट बिकॉज पुलिस को सेव कर रहा है एक एडवोकेट तो पुलिस उसका मदद कर रही है। तो इफ पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग एन एफआईआर नॉट हियरिंग यू, यू कैन फाइल योर ओन कंप्लेंट। सर मैंने दे रखी है डीसीपी साहब को, कुछ भी फाइल नहीं हो रहा है। हाँ बताइए क्या रिव्यू, क्या तकलीफ? सर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर रिलाय करा हुआ है। सर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर रिलाय किया है। कब आया आपके पिटीशन डिसमिस होने के बाद आया था? नहीं सर पहले ही आया था सर। तो बस छूट गया तो छूट गया, रिट पिटीशन का रिव्यू है। यस सर। तो सिंगल में आना चाहिए डीवी क्यों लगा? नहीं डीवी कर पिटीशन डीवी में। अच्छा हाँ बताइए क्या? सर पैरा 6.2 सर प्लीज़ देखेंगे। कौन से रिव्यू पिटीशन सर? रिव्यू पिटीशन का। हाँ सर 6.2 राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज क्या कहा इसमें? सर इसमें रूल ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी का एक्सेप्शंस दिया गया है कि व्हेन द रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ए फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अल्टरनेटिव रेमेडी का रूल रिट पिटीशन पर अप्लाई नहीं होता। सर एक्चुअली मेरे अंडरलाइंग रिट पिटीशन में माननीय कोर्ट ने ये कहा था कि मैं 482 में अप्रोच करूँ। जो मेरी रिट पिटीशन थी सर वो नीचे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, जो मेरे पास रेमेडी थी स्टैट्यूटरी 173(8), 156(3) की, वो डिसमिस हो गई थी। उसके अगेंस्ट सर मैं आया था यहाँ पे 226 में। तो सर वो उसमें मेरा फंडामेंटल राइट ही वॉयलेट हो रहा था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है, टोटली टेंटेड और बायस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो अब कंप्लीट हो चुका ना सर? हो चुका है और चार्जेस फ्रेम नहीं हुए अभी। तो एक बार तो कोर्ट में मामला चला जाता है, अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने का पावर मजिस्ट्रेट को, हाई कोर्ट को नहीं है। सर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट ही आया हूँ सर मैं। तो ट्रायल में ही बताइएगा तो हाई, एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट चार्जशीट फाइल हो गई मेटल ट्रायल में चला गया देन वी कैन ऑर्डर फॉर री इन्वेस्टिगेशन। सर री इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था सर मैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन सर बिकॉज अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड सर यस इसमें ये कहना चाह रहा था जो नीचे अंडरलाइन पिटीशन में जो मैटर है इट इज़ वेरी सेंसिटिव सर। एक्चुअली मेरी और मेरी मदर के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी और वो भी एडवोकेट्स के द्वारा, और प्रकरण मेरे ऊपर ही दर्ज हुआ था सर बाद में, वो बताया था। हाँ और सर उसके बाद उसमें फैक्ट्स ऐसे हैं कि मैंने ऑलरेडी 25 दिन पहले टीआई साहब को एक लेटर दिया था कि फलाना फलाना एडवोकेट ने मुझे ये स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने अपने एप्लीकेशन में लिखे हैं कि इसने मुझे बोला था मैं तुझे वकीलों से बिठवाऊंगा अगर तूने समझौता नहीं किया, और सर बात वही हुई है। एंड सर सारे एविडेंसेस मेरे पास हैं, जस्ट बिकॉज पुलिस को सेव कर रहा है एक एडवोकेट तो पुलिस उसका मदद कर रही है। तो यू कैन फाइल योर ओन कंप्लेंट सर मैं। इफ पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग एन एफआईआर नॉट हियरिंग यू, यू कैन फाइल योर ओन कंप्लेंट। सर मैंने दे रखी है डीसीपी साहब को, कुछ भी फाइल नहीं हो रहा है। यू कैन अप्रोच द मजिस्ट्रेट एंड फाइल अ कंप्लेंट। सर वो मैं कर लूंगा लेकिन जो ऑलरेडी मेरे अगेंस्ट जो केस है, प्लीज डू दैट। सर मेरे अगेंस्ट जो केस है सर वो कहां से होगा सर? सप्लीमेंट यस प्लीज डू दैट। Thank you.